तो रमेश भाई मैं आपको बताता हूँ कि मिट्टी खेत से किस प्रकार दी जाती है। दरअसल हमारा जो खेत होता है उसे हमें 7 से 8 भागों में बांट लेना चाहिए, और उस खेत में से यदि आप इस खेत को देखें तो आपको मिट्टी जो है जिग जैग पैटर्न ऐसे आपको लेनी होती है। मतलब आपने एक एक यहाँ से ली, उसके बाद सामने से लेंगे, उसके बाद एक बीच में से लेंगे, इस प्रकार से आप ऐसे तिरछे चलते हुए अलग अलग जगह से आप सैंपल लेंगे। इस प्रकार से एक खेत से कम आपको 7 से 8 सैंपल लेने हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको सैंपल लेते कैसे हैं। मिट्टी की सही जांच के लिए जरूरी है कि मिट्टी का नमूना ऐसे स्थान से लिया जाए जो पूरे खेत की मिट्टी के अनुसार हो। इसका मतलब यह है खेत को उसके मिट्टी का प्रकार, ढलान, पिछले मौसम में लगाई हुई फसल के आधार पर अलग अलग हिस्सों से बांटें और हर एक हिस्से से एक नमूना प्राप्त करें। खेत के एक हिस्से में लगभग 8 से 10 स्थानों से मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। मिट्टी का नमूना प्राप्त करने के लिए वी आकार के 6 इंच गहरे गड्ढे खोदें। हर गड्ढे में से 100 से 150 ग्राम मिट्टी का नमूना तैयार करें, जमा करें। इस प्रकार 8-10 स्थानों से 1.5 से 2 किलो के आसपास मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी। जमा सैंपल में से कंकड़, घास आदि निकाल दें और उसे अच्छी तरीके से मिला लें। इस सैंपल को फर्श में गोलाकार फैलाकर 8 हिस्सों में बांटकर 4 हिस्से फेंक दें। इस तरह मुख्य रूप से तकरीबन 500 ग्राम सैंपल बच जाएगा। इस सैंपल को आप कपड़े की थैली में इकट्ठा कर लें, उसके ऊपर खेत का नाम और नंबर लिख दें। अरे हाँ, एक बात और ध्यान रखें किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना मेड़ के नज़दीक, पेड़ के नीचे या जहाँ उर्वरक पड़ी हो उस स्थान से ना लें। एक नजर डालिए मिट्टी परीक्षण की इस रिपोर्ट पर। तो किसान भाइयों, मिट्टी कहे ना कहे आप अपने नजदीक किसान सेंटर पर उसका टेस्ट यानी जांच जरूर कराएं।